मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग। तो आज आपको जैसे कि टाइटल से पता चल ही गया होगा क्या है, तो बस सुबह की शुरुआत है ये। मैं सुबह अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, ले जाने के लिए खाना बना रही थी, तो बस मुझे सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है और जल्दी जल्दी मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, तो बस मैंने केवल सब्जी का ही करा। तो बस मेरा छोंक भुन चुका है और गुड़िया तो सो रखी है, तो इस वजह से बहुत ही कम शोर में मैं बनाना चाह रही हूँ। तो बस मैंने इसमें सिंपल से नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं और सुबह का टाइम पता है कितनी जल्दी जल्दी से भागता है, बहुत जल्दी जल्दी करो और टाइम तो ऐसे भागता है बहुत जल्दी जल्दी। तो बस सुबह के टाइम बहुत जल्दी रहती है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। पूरी तरह से मैंने मतलब वीडियो भी शूट नहीं करी, बस थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो बस मैंने आटा भी बना लिया था और मुझे बनानी है 4 रोटी। तो बस मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी वाली नहीं बनानी है। गुड़िया सो रही है अभी। उठ जा बेटा। ओ तू तो उठ रहा है? मम्मा को परेशान कर रहा था ना? तो मम्मा भागी कहाँ? ऊपर। बेटा मम्मा तो कपड़े धोने गई थी ना बेबी, आप तो सो रहे थे। आप कब उठे हैं और एक्टिंग कर रहे हो, मम्मा को परेशान कर रहे हो सोने की? नहीं कर रहे? अच्छा चलो तो उठ जाओ बेबी, जल्दी से अच्छे से अपना फेस दिखा के करो। गुड मॉर्निंग कर दो बाबू सबको और किस्सू भी दे दो। गुड मॉर्निंग किस्सू दे दो। आज बिट्टू क्या है, क्या है आज? आज तो कुछ है ना? है। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। है बिट्टू है। आपने विश नहीं किया ना मम्मा को? नहीं किया ना विश? सॉरी नहीं बोलना बेटा। मेरा बेटा, मैं सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रही बाबू। अच्छा किस्सू कर दो मम्मा को। बस मेरा काम सारा खत्म हो चुका था और देखिए मैंने क्या बनाया है। तो मैंने एक फ़ोटो फ्रेम टूटा हुआ था, ये टूट चुका था, बच्चे बॉल खेल रहे थे तो उससे इसका शीशा टूट गया था, तो मैंने इसको देख लो न्यू फ़ोटो फ्रेम बना दिया है। मैंने सोचा अभी मैं मार्केट तो जा नहीं पा रही, जो कुछ लेकर आऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने घर पे ही ये टूटे हुए फ्रेम से एक फ़ोटो फ्रेम न्यू बना दिया है। आप कमेंट करके बताना मेरा फ़ोटो फ्रेम कैसा लग रहा है। ये वैसे वेस्ट ही जाता, इसका यूज़ ही हो गया है। तो बस अब मेरा काम तो सारा ख़त्म हो चुका था, नाश्ता वगैरह सब कर लिया था और अब 1:30 बज रहा था। तो बस मैं कर रही थी किचन की सफाई। क्या करूँ मैं? बिट्टू पापा तो शाम को आएंगे बेबी। हाँ पापा आएंगे ना शाम को, जब बनाएंगे। अभी तो ठंडा हो जाएगा ना, अभी तो मम्मा बाबू के लिए चिज्जी बनाएगी। अच्छा हाय कर दो बेटा सबसे। पापा आएंगे तो आप भाग के जाओगे? कैसे भागो भागो? तो देखा आप, किचन में आती हूँ, मेरे साथ ही रहती है, सारे बर्तन ड्रॉस वगैरह उल्टा सीधा सब कर देती है, आपने देखा ही होगा कैसे कर रखा है। तो बस मैं बाबू के लिए दलिया बना रही थी और दूध भी मैंने गर्म नहीं किया था सुबह क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है, कपड़े साफ़ सफाई, तो बस इस वजह से मैंने दूध नहीं गर्म कर पाई थी। तो बस मैं दूध गर्म कर रही थी और बाबू के लिए दलिया बना रही थी। तो शाम के लिए मुझे भिगोने हैं छोले, वाइट वाले चने। तो बस काफ़ी लेट हो गया है, वैसे सुबह से टाइम नहीं मिला था, ये सुबह से भीग जाते हैं ना तो ठीक अच्छे से गल जाते हैं। तो बस मैंने अब भिगो दिए थे चने और वैसे मैं बना नहीं पाई थी, फिर मेरा हस्बैंड कहने लगे कि बाहर से ही, आज बाहर से ही पार्टी करते हैं तो बाहर से ही खाना मंगा लेंगे, तो बस मेरे भीगे ही रह गए थे, फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो बस मैंने अब भिगो दिए हैं चने और किचन साफ़ कर रही थी मैं। तो मैंने खाना बनाने के बाद पूरी किचन समेट दी थी और अच्छे से साफ़ कर दी थी, फिर भी पता नहीं किचन तो फैली रहती है और बर्तन तो पता नहीं कैसे आ जाते हैं इतने सारे। तो सिंक भर चुकी थी बर्तन की, तो मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ बर्तन साफ़, फिर और हो जाएंगे, कोई आ जाता है तो इतने बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने
हेयर वॉश किए थे तो मुझे कंघी करने का भी समय नहीं मिला, तो बस अब मैं कंघी कर रही थी। किचन का मैंने सारा काम कर लिया था और बस अब मैं कंघी करने के लिए लग रही थी। बाबू गिर गई थी तो बस मैं उसे लेकर आई, तो मैं उसे बहला रही थी। मैंने कहा चलो आपकी कंघी कर देती हूँ बेटा, तो बस उसकी कंघी कर रही थी मैं। तो फिर बस अपनी कंघी करके सुबह जैसे फ्री हुई, नाश्ता भी नहीं कराया था गुड़िया को ना मैंने किया था, तो बस मेरी सिस्टर रहती है यहाँ पे, वो आ गई थी। क्योंकि मतलब एनिवर्सरी वाले दिन मैं करूँ ना करूँ, बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करूँ ना करूँ, लेकिन वो तो आती हैं हमेशा ना गिफ्ट लेके, तो बस वो मेरे लिए सूट लेकर आई थी। तो इस बस करते करते तो आपको पता ही है काफ़ी समय हो जाता है, 2 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। फिर बस उनके जाने के बाद ही मैंने किचन का काम समेटा और अब मैं कंघी कर रही हूँ। तो इयररिंग्स गुड़िया ने तोड़ दिए थे हाथ मार के, पता है मैं बड़े पहनती नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि बड़े पहनने में तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, खींच देती है, और पता है कान में तो दर्द भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस मैंने छोटे पहने हुए हैं, छोटे भी बार बार पता है खींच देती है मेरी, कई बार वो तोड़ चुकी है, तो बस मैंने उसे ठीक करने के लिए दिए थे। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता इयररिंग्स पहने बिना ना, अजीब सा लगता है। तो बस मैं इयररिंग्स पहन रही थी, मंगलसूत्र की चेन भी तोड़ दी थी वापस से, उसे भी ठीक कराया था, तो बस मैं उसे भी पहन रही थी। तो देखिए मैं लिपस्टिक लगा रही थी ना थोड़ी सी, तो यूँ कह रही थी मुझे भी लिपस्टिक लगवानी है, तो बस मैं इसे बहलाने के लिए हल्की हल्की सी, क्योंकि रो रही थी, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है। खुशी के दिन भी खुश नहीं है मन बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, बस दिमाग ख़राब हो जाता है। तो रोए जा रही थी वो सुबह से, तो इस वजह से मैं इसको बहला रही थी, तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही थी। देखो इसके ड्रामे अभी दिखाएगी अभी देख किसने लगाई है, किसने मैंने मम्मी ने लगाई है। नो तो बनाएंगे। नो क्या बना रहे हो अब आप? वीडियो बना रहे हो। और देखो आपने लिपस्टिक तो सारी खा भी ली बेटा। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज नहीं, मेरे गुड्डू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कोल्ड हो गया, इसको जुकाम सा लग रहा है, और बस इसको कुछ भी हो जाए ना तो बस मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इससे। तो पता मुझे कुछ भी हो जाए मुझे टेंशन नहीं होती, पता एक तो दवाई नहीं खाती बिल्कुल भी, बहुत परेशान करती है, इसको वॉमिट आ जाती है सारी पलट देती है, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो बस इसकी जगह मुझे हो जाए ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो बस आज का व्लॉग हमने वैसे तो सुबह से ही शुरू किया था, और जैसे कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो बस सुबह से जैसे कोई पास में रहता उसे पता होता तो बस आ जाते हैं विश करने के लिए, तो यहाँ पर मेरी बहन रहती है वो आई थी मुझे विश करने के लिए। तो बस ऐसे ही बैठे रहे, काफ़ी देर हो गई, तो बस मैं फिर बीच में शूट ही नहीं कर पाई। तो बस अब बज गए हैं 1:30 बज रहा है, तो बस मैंने बाबू के लिए दलिया बनाया है, कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे, काम सारा हो चुका था, तो बस मेरे को कपड़े सुखाने बाकी थे, तो बस अब मैंने कपड़े सुखाए हैं, कपड़े सुखा कर आई हूँ, बाबू के लिए दलिया बना रही हूँ। किचन का जो काम पड़ा था थोड़ा बहुत बस वो देखा है। शाम के खाने के लिए मैंने वाइट वाले चने भिगोए हैं। और बस चलिए व्लॉग की शुरुआत। जो आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना बाबू? या तो हमको लाइक कर देना। मम्मू को अरे मेरा बेटा बिल्कुल साफ बोल रहा है, बिल्कुल साफ बोली आज पहली बार, मम्मू को लाइक कर देना, हाथ नहीं देते ना बेटा मम्मू। अच्छा आपने सबको डांस नहीं करके दिखाया, सबको डांस करके दिखा दो ऐसे ऐसे तो आप गिर जाओगे, मम्मा को भी गिरा दोगे, अच्छे से करके दिखाओ डांस सबको। बस मैंने हेयर वॉश बिट्टू तब ठीक नहीं बेबी है? हाँ? मम्मा ने दवाई खिला दी? नहीं। चोको खिला दी मम्मा ने? हाँ? तो चोको तो आपको पसंद है ना बाबू, गम तो नहीं है बेटा? मम्मे ठंडा करके दे दूं? गिर गया? तो बस अब 3 बज चुके हैं और मैं कपड़े उतार लाई थी ऊपर से, क्योंकि सूख गए थे आज, मैंने जल्दी ही सुखा दिए थे क्योंकि सर्दी में ना सूख नहीं पाते, जल्दी धो के सुखा दिए थे तो सूख गए थे। बस बाबू को लंच करा दिया, दलिया मैंने उसे खिला दिया था। बस अब मैं कपड़ों की तय कर रही थी, क्योंकि गरम गरम सा मैंने इसलिए उसको दलिया खिलाया था ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि जुकाम हो रहा है। हम बड़े तो पता बता देते हैं, छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते, तो बस इस वजह से। तो देखिए शाम के 6 बज चुके हैं और पड़ोस में बच्चे हैं ना जिसको खिलाने के लिए आते हैं। बैठ जाओ, टूट जाएगी तो बोलो।
तो बस अब बच्चे खिला के चले गए थे इसको, और मैंने इसको दवाई दी, इसने सारी दवाई पलट दी सारी बेडशीट पे, मतलब सारी गंदी हो गई। अब मैं इसे चेंज कर रही थी, इसके कपड़े चेंज कराए मैंने बाबू के, पता है दुख भी होता है पर दवाई दिए बिना तो पता काम भी नहीं चलता, नाक पकड़ के कैसे कैसे मुझे दवाई देनी पड़ती है इसको, और पता है थोड़ी सी भी अंदर नहीं जाती है सारी पलट देती है। तो बस मैं बेडशीट चेंज करी मैंने, क्योंकि इसने बेडशीट पे सारी पलट दी थी दवाई, और सारे में नीचे भी गंदा कर दिया था। तो बस मैं बेडशीट चेंज करने के बाद झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगा के मुझे पोछा लगाना पड़ा। देखिए कितना कूड़ा कर देते हैं बच्चे, देखिए बस ये एक कमरे का है ये कितना कूड़ा कर दिया है। तो बस अब मैं पूजा कर रही थी, शाम की 6:30-7:30 बज रहे थे। तो बस मैं साफ़ सफाई करने के बाद अब पूजा करने के लिए आई थी, पूजा कर रही थी। मैं दिखाती हूँ बाबू कैसे पूजा करती है। पता है गुड़िया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पूजा करने में ना, पता है सुबह शाम ही कहती है मामा पूजा माई कर लो, पूजा माई कर लो। और पता है इसे गाना सा गाती है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखो खड़ी है ना यहीं पे, अभी दिखाती हूँ मैं। देखो माता क्या खाना है बाबू को, मैं आपको अपना गिफ्ट दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे एनिवर्सरी पे, तो उन्होंने मुझे पहले ला के दे दिया था, तो बस मैं वही शेयर कर रही थी आपके साथ। देखिए इस शैतान को, तब ठीक नहीं है इसकी बिल्कुल भी, और दवाई दी है सारी पलट दी दवाई, अभी अभी सारे इसके कपड़े चेंज किए हैं मैंने, और अभी भी सारी बेडशीट चेंज करके सारी साफ सफाई करके आई हूँ। सच में बच्चों को कुछ हो जाता है ना दिमाग खराब हो जाता है, आज मेरा इतना मूड अपसेट है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की खुशी नहीं है, बस इसका इसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है। अब जितने इसकी तबीयत खराब रहेगी ना बस यही रहेगा। तो चलिए मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ, आप सोच रहे होंगे खाना तो आज मैं नहीं बना रही हूँ, आज हमारी पार्टी है तो आज हम बाहर से ही खाना खाएंगे, तो हमने ऑर्डर कर दिया है, तो बस खाना हम बाहर से ही खाएंगे आज। और चलिए मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ, देखो बाबू ने पहले ले रखा है, तो ये है मेरा गिफ्ट। हटा बेटा बैठ जाइए बाबू, बैठो बैठो बैठो, मैं सबको अपना गिफ्ट दिखा दूँ बेटा। तो मुझे मिला है गिफ्ट में ये, खोल के दिखाती हूँ। पता है कपड़े वगैरह तो बहुत हैं और आ भी जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसा है किसी को भी बुरा नहीं लगता गोल्ड, तो मुझे गिफ्ट में ये मिला है, और मेरा काफ़ी दिन से मन था, इसे बोलते हैं कंठी। तो देखिए कुछ इस तरीके की है, इस तरीके की देखिए, इसे कंठी बोलते हैं, और मेरा बहुत मन था इसको लेने का। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, इस तरीके से नेक में आती है, बहुत प्यारी लगती है, इस तरीके से लग के ही आती है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से ना ऐसे इस तरीके से आती है, तो पूरा नेक ऐसा भरा भरा लगता है, फिर कोई नेकलेस की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आती है ये। तो मुझे रेड कलर के मोती अच्छे लग रहे थे तो मैंने रेड कलर के डलवाए, वैसे आप ब्लैक कलर के भी डलवा सकते हैं, ये मंगलसूत्र की तरह ही होती है, काफ़ी इसका ट्रेंड भी आजकल काफ़ी चल रही है, तो आप कमेंट करके बताना मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा। देखिए पता नहीं अच्छे से डिज़ाइन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना इस वजह से। तो ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके प्लीज़ बताना, आपको कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं गई, नहीं तो मैं भी लेकर आती उनके लिए गिफ्ट, भले ही पैसे उनकी। तो बज रहे हैं 8:30 का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और लेकर आए हैं खाना। तो खाने में लेकर आए दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, स्टफ नान और एक सिंपल नान, और ये चटनी है और ये प्याज है। तो आ जाइए आप भी लोग डिनर कर लीजिए, सेलिब्रेशन में हमारे शामिल हो जाइए। तो ये केक है, गुड़िया ने हाथ मार के सबसे पहले अपने पापा का नाम बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया, बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, अब बच्चे शैतानी करते हैं। ये तो गुड्डू का बर्थडे है, गुड्डू का बर्थडे, आज केक
खाने के लिए आ जाओ। क्या गिर गया? चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कोई बोल तो दो। बस यहाँ पे हम अपनी एनिवर्सरी के कर रहे थे छोटा सा सेलिब्रेशन। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी नंद है, वो वीडियो कॉल पे थी, तो हम उनसे ही बात कर रहे थे कि कोई बोल तो दो। तो बस मैं मजाक कर रही थी, मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा आप भी खा लो केक। तो हमने एक तरफ ट्राईपोर्ड पे फ़ोन लगाया हुआ था, उन्हीं से हम वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। तो देखिए आप लोग भी खा लीजिए केक। आपको अगर जो ये मेरा छोटा सा एनिवर्सरी का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।